हेलो जी, हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप देखकर आपका मन मोहित हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊँगा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के में स्थित है, और आज मैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि मंगलनाथ मंदिर जो कि मंगल दोष पूजा के निवारण के लिए सबसे प्रमुख और एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उज्जैन में स्थित है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो भगवान मंगला को समर्पित है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मंगला भगवान मंगल ग्रह को दर्शाता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंगलनाथ मंदिर अपने सुंदर परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता है, जो उज्जैन की यात्रा में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है और वो इस मंदिर में अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ पूजा करवाने के लिए आते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए उज्जैन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में को सर्च कर रहे हो तो मंगलनाथ मंदिर की यात्रा करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस चीज़ से आज मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो से आपको ये सारी चीज़ जानकारी मैं दूंगा कि उज्जैन में मान्यता महत्व और यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो मंगल ग्रह के दोष से ग्रसित होते हैं। मान्यता यह है कि मंगलनाथ मंदिर पूजा करवाने में मंगल के प्रभावी और दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसी धारणा के चलते प्रतिवर्ष हजारों लोग नवविवाहित जोड़े और मंगलनाथ पूजा करवाने के लिए आते हैं। मंगलनाथ मंदिर का जो महत्व है मैं अभी आपको बताता हूँ। मंगलनाथ मंदिर भगवान मंगला को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर नव ग्रहों की शांति की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ होने वाले भात पूजा का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त लोगों के सारे काम निवर्तित पूर्ण होते हैं। उज्जैन मंदिर का सबसे फेमस और मंगलनाथ मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना माना जाता है, जिनका पूर्ण निर्माण सिंधिया राजघराने द्वारा कराया गया था। मंदिर और मंगलनाथ मंदिर की उत्पत्ति और पौराणिक संबंध मैं आपको बताता हूँ। मंगलनाथ मंदिर की उत्पत्ति कई युगों पुरानी मानी जाती है, जिसे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ भगवान शिव का और राक्षस का अंधकासुर के साथ हिंसक युद्ध हुआ था, और लड़ाई के दौरान भगवान शिव के माथे से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे मंदिर में स्थापित शिवलिंग का निर्माण हुआ। यदि आप वहां जाने के लिए अगर आप टाइमिंग सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मंगलनाथ मंदिर प्रतिदिन सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर इस समय के बीच भगवान मंगला के दर्शन और मंगल पूजा करवाने के लिए आप आ सकते हैं। वैसे तो श्रद्धालु किसी भी समय मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन यदि आप मंगलनाथ मंदिर के साथ साथ उज्जैन के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिरों की यात्रा भी करने वाले हैं तो इसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय उज्जैन का मौसम बहुत खुशनुमा होता है। गर्मियों में उज्जैन का तापमान तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह 45 डिग्री सेल्सियस के साथ उच्चतम तापमान तक पहुँच जाता है। इसलिए उज्जैन में अगर आप घूमने आते हो प्रमुख और मंदिरों के साथ में, आप यहाँ सर्दियों में घूमने का सबसे अच्छा समय रहेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि उज्जैन में रुकने के लिए होटलें वगैरह और यहाँ आप कैसे आ सकते हो। उज्जैन में रुकने के लिए होटल्स, आप मंगलनाथ मंदिर और उज्जैन के अन्य मंदिरों की यात्रा पर जाने वाले हैं और रुकने के लिए अगर होटल सर्च कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि होटल्स और धर्मशाला ही हैं जो आपके बजट और आपके चॉइस के ऊपर है। जैसे होटल है शिप्रा वेन्यू, रामेश्वर और शांति गेस्ट हाउस, होटल MJ, होटल MI होटल, और एक और है जो सबसे बेस्ट है, मानसरोवर गेस्ट हाउस। ये आपके बजट में होगी। और आपको मैं बता देता हूँ कि आप उज्जैन आने के लिए लगभग हर एक जगह से रेल यात्रा है। उज्जैन शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर, चिंतामन जो मीटर गेज सहित प्रमुख 3 रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से आप आ सकते हो। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने आप में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी प्रमुख स्टेशनों से और ट्रेन रूट से जुड़ा हुआ है। मंगलनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 6.0 किलोमीटर की दूरी है। श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद स्थानीय परिवहनों की मदद से मंगलनाथ मंदिर जा सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उज्जैन का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है इंदौर का, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से है, जो उज्जैन से लगभग
56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक से ही एक और नई यात्रा लेकर।